मेरा नाम है सिद्धवानी मत और आज का जो हमारा टॉपिक से वो टेंसेस का जो दूसरा टेंस है तो उनको हम पढ़ेंगे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, तो जिस तरह के मैंने टेंसेस जो स्टार्ट किया है तो पास्ट मतलब के जो काम पिछले ज़माने में हुआ है, मतलब माजी में जो हुआ है, इंडेफिनेट लेकिन मुकम्मल नहीं, पता नहीं किस तरह हुआ है, कितना हुआ है, तो ऐसे टेंसेस को हम क्या कहेंगे, पास्ट और इंडेफिनेट टेंस। तो उर्दू में पहचान क्या होगी कि अगर आ या ये वगैरह आ जाए तो इस तरह जुमलों को हम क्या कहेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस या की वगैरह। ठीक है, तो एक्सेट्रा ऐसे जुमलों को हम क्या कहेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस के मुताबिक हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव जुमले को हल करेंगे। जैसे कि मैंने खत लिखा, मैंने खत लिखा। ठीक है, तो मैंने खत लिखा तो पास्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि मैंने पास्ट में क्या किया, खत को लिखा, तो मैं क्या आएगा, आई। तो लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। तो सेकंड फॉर्म राइट का क्या है, रोट, आई रोट अ लेटर। ठीक है, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा, या मैं और कह रहा हूँ वो आया। ही क्या है, सब्जेक्ट है, आया केम, ही केम। ठीक है, या उसने कपड़े, या उसने कपड़े धोए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दे या हम यहाँ लिखेंगे कि मारिया ने कपड़े धोए, तो हम यहाँ कहेंगे कि मारिया वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए और इनके मुताबिक आप लोग जुमले बना दीजिए। जैसे कि पहले सब्जेक्ट को आप यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये ऑब्जेक्ट। इस तरह आप लोग जुमले को देखिए कि ये काम कौन से ज़माने हुआ है, तो उनके मुताबिक आप लोग इस तरह को सॉल्व कीजिए। तो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, कि इनका नेगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड लगाना है। ठीक है, और डिड के बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक है, इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, और फिर उनके ऑब्जेक्ट लगाना है। अफर्मेटिव मैंने बोला कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, और यहाँ बोला कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड है तो पहले सेकंड फॉर्म आया, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जुमलों को देखते हैं, अली ने पुल नहीं तोड़े, पुल नहीं तोड़े। ठीक है, तो यहाँ देखे सब्जेक्ट क्या है, अली, क्या लगाएंगे, अली। ठीक है, फिर क्या लगाना है, डिड लगाना है, अली डिड। ठीक है, फिर क्या लगाना है, नॉट, अली डिड नॉट। ठीक है,
तो तोड़ने को हम क्या कहते हैं, प्लक कहते हैं। तो अंजलि डिड नॉट प्लक द फ्लावर, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर। अंजलि डिड नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है। उसने किताब नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, ठीक है। तो यहां लिखना है ही क्या गया, सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर उनके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि ना भी है, ही डिड नॉट रीड, मेंबर की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, किताब, तो किताब क्या है, दबो, ठीक है। तो इस तरह जुमले बनाना है नेगेटिव का। अब चलता है कि सवाल या जुमले इसका कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब चलता है इंटरोगेटिव के, उनका इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है, उनका कैसे बनाना है। तो इंटरोगेटिव आप, इंटरोगेटिव पहले आपको डिड लगाना है, ठीक है, डिड के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, और उनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, और उनके बाद क्या करना है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, ठीक है। क्या वो सुबह से बढ़ रहे हैं, क्या वो सुबह से पागल गए, ठीक है। तो आप जुमले को देखें, क्या वो सुबह से पक गया, तो पहले आप क्या करना है, पहले आपको लगाना है डिड, फिर क्या करना है, एक सब्जेक्ट क्या है वो, तो वो क्या है, ही, डिड ही गो टू वर्क, क्या वो सेट पर गया, ठीक है, सुबह को छोड़े, क्या वो सेट पर गया, ठीक है। तो डिड ही गो टू वर्क, ठीक है, क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या तुमने मुझे बुलाया, ठीक है, सवाल यह है ना। तो क्या करना है, पहले आपको डिड लगाना है, डिड, तो तुम के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, यू, डिड यू, तो अब क्या लगाना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल, डिड यू कॉल मी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स को देखिए और उनके मुताबिक इस जुमले को हल कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव आपको बनाना है, यहां आप सिर्फ डब्ल्यू एच वाले फ्रेम ही लगाए, ठीक है, क्या लगाए, डब्ल्यू एच वाले फ्रेम ही लगाए, वो कौन से हैं, तो व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, ठीक है। तो आपको मैं जो तुमने मुझे ये आप स्ट्रक्चर्स के मुताबिक आप डबल इंटरोगेटिव को साथ करना है, जब कब कहाँ ये जुमले के दरमियान में आ जाए तो उनको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, या मैं तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, ठीक है, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो पहले क्या, क्यों को हम क्या कहते हैं, वाई, तो डब्ल्यू एच फैमिली से क्या लगाना है, वाई, फिर क्या लगाना है, डेड, वाई डेड, फिर क्या, सब्जेक्ट, तो तुम है तो सब्जेक्ट तुम हो, तो हम क्या लगाएंगे, यू, वाई डिड यू, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल, वाई डिड यू कॉल मी, क्या
कॉल टू मी, तुम कहाँ गए? वेयर डिड यू गो, वेयर कहाँ के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? वेयर, ठीक है, और वेयर डिड यू, डिड अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम हो तो यू, वेयर डिड यू, जाने को हम क्या कहते हैं? गो, वेयर डिड यू गो। तो आज का ये हमारा लेक्चर से, और एमएल एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।